हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ बिस्ट एकेडमी। और क्वारंटाइन के इन दिनों में हमारी फिजिक्स की वीडियो लेक्चर सीरीज चल रही है और आज हम लोग पहुंच गए हैं मोशन के पार्ट 7 में। और आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो लेक्चर के तहत ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। मेरा नाम चंद्रशेखर बिष्ट, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं ग्राफ की डेफिनेशन को। तो हमारे पास कोई भी जो ग्राफ होता है, जनरली हम लोग यहाँ पे जो बात करेंगे वो एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, मतलब कि रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करेंगे। ये हमारा ग्राफ होता है, ग्राफ पेपर आप लोग देखे होंगे, उसमें एक हमारे पास ये एक्स एक्सिस होता है और दूसरा हमारे पास वाई एक्सिस होता है। यहाँ पे हमारे पास ये जो एक लाइन ग्राफ है, इसमें एक ये जो एक्स एक्सिस है ये किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा और ये जो दूसरा वाई एक्सिस है ये किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। इन जनरल जो हम लोग स्टडी करेंगे अपने पूरे कोर्स के दौरान, ये हमारा जो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है एक्स एक्सिस, इसको हम लोग मान के चलेंगे कि ये टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो हमारा वाई एक्सिस है इसको हम लोग मान के चलेंगे कि या तो ये डिस्टेंस है या ये वेलोसिटी है। इन जनरल ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। और जनरली हम लोग जो यहाँ पे स्टडी करेंगे 9th क्लास के दौरान, वो वन डायमेंशनल मोशन है। वन डायमेंशनल मोशन का मतलब होता है या तो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ में चल रहा होगा या स्ट्रेट वाई एक्सिस में चल रहा होगा, इन दोनों में से किसी एक में, तो ये हमारे पास वन डायमेंशनल मोशन कह दिया जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट हम लोग देखें तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम लोग देखें तो इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर देखा जाए तो द चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब आप यहाँ पर देखिए, ये एक्सेस हमारा टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक्सेस हमारा डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली दूसरे में भी यहाँ पर देखेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आपको दिखाई पड़ रही होगी और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको एक कर्व्ड लाइन दिखाई पड़ रही है। स्ट्रेट लाइन का मतलब हो गया कि हमारे पास जो स्पीड है वो एक यूनिफॉर्म स्पीड है, इस वजह से ये इक्वल डिस्टेंसेस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल कर रहा है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए देखा जाएगा तो इस तरीके से कर्व्ड लाइन हमारे पास आएगी। कहने का मतलब है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में आपकी जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है वो अनइक्वल हो रही है, इस वजह से ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड आ गई। डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमारा स्पीड या वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाएगा। कैसे यूज़ किया जाएगा, इसके लिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अभी हम आगे ग्राफ में समझेंगे कि कैसे स्लोप हमको किसी भी ग्राफ का जो स्लोप होता है कि वो ग्राफ एक्स एक्सिस से कितना झुका हुआ है वो हमारा बताता है कि हमारा वहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग आगे देखें तो इस वाले में देखिए कर्व्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पे, ये डिस्टेंस के लिए है और ये हमारे पास टाइम के लिए है। अब यहाँ पे हमारी जो डिस्टेंस है वो एक स्ट्रेट लाइन आ गई। कहने का मतलब ये आप समय देखिए, इस समय पर भी यही डिस्टेंस है, इस समय पर भी यही डिस्टेंस है, इस समय पर ये डिस्टेंस, इस समय पर, मतलब कि डिस्टेंस हमारी चेंज नहीं हो रही है। डिस्टेंस कैसे पता लग रहा है, इस पॉइंट से अगर इस एक्सिस में हमारे चेंजेस देखने को मिलेंगे तो हमारा डिस्टेंस चेंज होगा। परंतु आप यहाँ पर देखिए कि ये डिस्टेंस एक ही पॉइंट पे मेंटेन है लेकिन टाइम हमारा क्या हो रहा है, चेंज होता जा रहा है। और इस वाले कर्व में देखिए आप, टाइम हमारा बदल रहा है और उसी के साथ साथ डिस्टेंस भी चेंज हो रही है। जब हमारा टाइम ये था तो हमारी डिस्टेंस ये पॉइंट आ गई, जब हमारा समय ये है तो हमारी डिस्टेंस क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी, जब हमारा टाइम ये है तो हमारी डिस्टेंस देखिए क्या आ गई, ये आ गई। तो डिस्टेंस हमारी चेंज होती चली जा रही है। तो अब यहाँ पर अगर देखें तो हम लोगों को अगर कैलकुलेट करना है कि हमारी स्पीड कैसे निकलेगी तो हम क्या निकालेंगे, स्पीड इज़ इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। अब इस केस में मैंने बताया था हमारा जो स्लोप होता है वो हमको क्या देगा, स्पीड। अब स्लोप निकालने के लिए हमारे पास तरीका क्या है, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, एक इस पॉइंट पर अगर मान के चलो कि मुझे स्पीड निकालनी है तो मैं इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा और एक वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा, इसको मेज़र कर लिया जाएगा और इसको मेज़र कर लिया जाएगा। अब ये हमारे पास एक पूरा रेक्टेंगल बन गया है। तो अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो स्लोप होता है वो स्लोप होगा हमारे पास ए बी अपॉन ओ बी, ये हमारे पास इस लाइन का झुकाव है एक्स एक्सिस से, इसी को हम लोग स्लोप बोलते हैं। जनरली मैथ्स के टर्म्स में इस चीज़ को टैन करके बोला जाता है। तो ये टैन हमने कह दिया, ये यहाँ पे एंगल बन रहा है तो ये जो एंगल बन रहा है हमारे पास इसको हम लोग थीटा कह देंगे। तो टैन थीटा की वैल्यू हमारे पास ए बी अपॉन ओ बी, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो किसी भी ग्राफ का स्लोप हमको क्या देगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम लोग को क्या देगा, डिस्टेंस
टाइम ग्राफ का स्लोप हमारे पास वेलोसिटी या स्पीड हमको देगा। इसी तरीके से नेक्स्ट अगर हम लोग देखें वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर आपको देखने को मिलेगा, ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई, ये हमारे पास टाइम आ गया। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमारे पास अगर कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, स्पीड कांस्टेंट बनी हुई है, ये देखिए स्पीड कांस्टेंट बनी हुई है। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है, वेलोसिटी में इक्वल चेंजेस देखने को मिल रहे हैं टाइम के रेस्पेक्ट में, तो इक्वल टाइम में इक्वल वेलोसिटी चेंज हो रही है, इस वजह से ये एक लीनियर ग्राफ हमारे पास बना है। अब देखेंगे अगर हम लोग तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो प्रोडक्ट होता है वो हमको डिस्प्लेसमेंट देगा। इसी तरीके से एरिया इंक्लोज्ड, जो ग्राफ के अंडर में एरिया इंक्लोज होता है, वो हमारे पास क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू द सिंबल कि वेलोसिटी जा कहाँ को रही है। हो सकता है वेलोसिटी नेगेटिव हो सकता है कि ये वेलोसिटी का कर्व इधर को आ जाए, या हो सकता है कि वेलोसिटी ऐसे हो जाए। तो इस केस में हम लोग देखेंगे एरिया से कि कहाँ पे पॉजिटिव हो रहा है, कहाँ पे नेगेटिव हो रहा है। जहाँ पे एरिया हमारे पास पॉजिटिव होंगे वह सभी हमारे पास क्या देने वाले हैं, डिस्टेंस। इसी तरीके से जहाँ पे एरिया हमारे पास नेगेटिव हो जाएंगे वहाँ पे हम लोग डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि एरियाज़ को प्लस और माइनस साइन के साथ लिखा जाएगा। जब एरियाज़ केवल जोड़े जाएंगे आपस में तो वो हमको डिस्टेंस देंगे, और एरियाज़ को अगर प्लस माइनस साइन के साथ लिखा जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट भी मिल जाएगा। इसी तरीके से वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमारे पास क्या देगा, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो आप लोग पढ़ लीजिए वरना आने वाले समय में आपको भी इसी तरीके से आलू और बैंगन बेचना पड़ेगा, तो मन लगा करके पढ़िए। कॉन्सेप्ट स्कैनर को देखते हैं हम लोग यहाँ पर। अब इसी चीज़ को यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास एक्सेलरेशन, तो इस ग्राफ में आप देखेंगे एक्सेलरेशन हमको कैसे मिलता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। कहने का मतलब है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो हमारे पास स्लोप होता है वो हमको एक्सेलरेशन देगा। तो अब यहाँ पर अगर देखेंगे ये हमारे पास वेलोसिटी है, ये इसका स्लोप हो गया। अब स्लोप निकालने के लिए मैंने बताया था इस पॉइंट पर अगर हमको एक्सेलरेशन चाहिए तो ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, एक एक्स एक्सिस में और एक वाई एक्सिस में। दोनों को हम लोग मेज़र कर लेंगे कि ये और ये। अब आपको पता है कि ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, तो ये जो डिस्टेंस है वो इसके बराबर ही है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारा जो एक्सेलरेशन है वो पी आर अपॉन ओ आर है। क्यों? क्योंकि भाई पी आर यहाँ पर आप देखेंगे अगर, तो पी आर आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, डिस परपेंडिकुलर हो गया, और ये हमारे पास यहाँ पे बेस हो गया ओ आर। तो हमारे पास ये स्लोप एक्सेलरेशन दे रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के कर्व में। इसी तरीके से अगर हमको डिस्टेंस ट्रेवल्ड चाहिए, तो आपको बताया था कि इसके अंडर में जो कवर्ड एरिया होता है वो हमको डिस्टेंस बताएगा। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस वेलोसिटी के अंडर में, तो ये हमारे पास जो एरिया आ रहा है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये एरिया जो हमारे पास आ रहा है। तो अब अगर मैं कहूँ कि सेकेंड वाले ग्राफ में हमको डिस्टेंस चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस एरिया को कैलकुलेट कर लेंगे। अब आपको ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला तो पता ही है, क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। अब एक बात ध्यान देने वाली है यहाँ पे कि ये वेलोसिटी हमारी पास पॉजिटिव है, एक्स एक्सिस पॉजिटिव की तरफ को चल रहा है, इस वजह से ये जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर ही कैलकुलेट किया जाएगा। लेकिन अगर ये कर्व हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से नीचे को आने लगता, तो उस केस में हम लोगों का चीज़ें चेंज हो जाती। तो इस चीज़ को भी हम लोग समझेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक क्वेश्चन दिया है मैंने, ये आपको ड्रॉ करने हैं दो कर्व्स, आप इन क्वेश्चंस को ड्रॉ करिए और फिर मुझे बताइएगा। तो हम बाकी चीज़ें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की और देखेंगे, लेकिन ये सारी बातें आज नहीं, अब कल। तो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इनको शेयर करिए। हैप्पी क्वारंटाइन डेज, आप लोग स्टडी करते रहें। थैंक यू।